मेरा नाम बालकृष्ण है, एसएससी सोपी अजयनगर। मैं एक्चुअली बेसिकली जो हमारे डिफेक्ट्स और जो प्रो हैं, किस प्रो से कौन सा डिफेक्ट डिटेक्ट किया जाता है, उसके बारे में मैं बेसिक जानकारी देना चाहूँगा। जैसे मेरा ये 0° 2 MHz का प्रोब है, इससे हम 80 वोल्ट के जो ओरिजिनल डिफेक्ट्स हैं रेल हेड के अंदर में और वेव में और वेवफॉर्म जंक्शन का जितने भी ओरिजिनल डिफेक्ट हैं वो इस प्रोब में 0° प्रोब से हम डिटेक्ट करते हैं, और इसमें 0° 2 MHz का प्रोब यूज़ होता है। दूसरा जो मेरा रेल हेड है, रेल हेड और रेल के फ्रेंज में जितने भी वर्टिकल ट्रांसवर्स डिफेक्ट हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास ये 70° प्रोब होता है। इसको मशीन में कनेक्ट करते हैं और कैलिब्रेशन सेटिंग करने के बाद में जितने ही इसके वर्टिकल ट्रांसवर्स इस तरह के जो डिफेक्ट्स हैं, चाहे हेड में हैं चाहे फ्लेन में, उनको डेट करने के लिए हम 0° 70° 2 MHz का प्रोब यूज करते हैं। ये इस पर लिखा भी होता है 0° 70° 2 MHz। इसके बाद हमारे यहाँ वेवफॉर्म जंक्शन पर एक डिफेक्ट बनता है जिसको हम बोलते हैं हाफ मून डिफेक्ट, या यहाँ पोरोसिटी रह जाए या लेकर फ्यूजन तैयार रह जाएगा, तो उसको डेट करने के लिए हमारे पास ये 45° प्रोब होता है और 10° 2 MHz जो हमारा हाफ मून डिफेक्ट 80 वोल्ट में है उसको डेट करने के लिए यहाँ से ऐसे प्रोब चलाते हैं लाइट की फिक्स लेंथ के बराबर में, यहाँ से और इससे जितना भी हाफ मून का डिफेक्ट है वेवफॉर्म जंक्शन पर वो डेट होता है। रेल कई बार ऐसा होता है कि वेल्ड के पास में हमारा रेल के वेब में यहाँ पर होल होते हैं, इस तरह बोल्डाउन होते हैं, तो वहाँ इसको हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसकी जो वेब आएगी वो टाइटेड नहीं होने देगी वहाँ तक, तो उसकी जगह पर हमारे पास ये 2 MHz के साइड भी प्रॉब होते हैं जिसका क्रिस्टल अंदर को 20 mm इंक्लाइंड होता है, और इसको हम जो है रेल के एकदम अपर जोन में लेंथ पर इस तरह से डिटेक्ट करते हैं, तो इसमें है जो भी आपने डिफेक्ट होता है वो उससे डिटेक्ट हो जाता है। तो ये 4 तरह का प्रोब्स हम यूज़ करते हैं, तो इस तरह से हमारा 80 वोल्ट टेस्टिंग के लिए 4 तरह के प्रोब होते हैं यूज होते हैं, 0° 70° और 45°।